Students, today we will try to solve exercise 14.3. See question number 1. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 50 to 44 in years worldwide found the following figures in percent. Percent में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ causes दिए हुए हैं और ये female fatality rate दिया हुआ है percent में. ओके, तो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ओके, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. थर्ड, ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बींग द मेजर कॉज. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस इंफॉर्मेशन को, उसके बाद इसके हम आंसर देंगे. ओके, सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये डायग्राम बना लिया, इसे ग्राफ में बनाना और पेंसिल से बनाना है. ठीक है, तो जो आपके कॉजेस हैं, कॉजेस को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ये कॉजेस, और मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है. फर्स्ट ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सेकेंड है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, फिर है इंजरीज, इंजरीज के बाद है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, ये है रेस्पिरेशन कंडीशन, और ये है अदर कॉसेस. ठीक है, और हमने यहाँ पर स्केल जो ली है, वन यूनिट, वन सेंटीमीटर इक्वल टू यूनिट ली है. ठीक है, वन सेंटीमीटर इक्वल टू यूनिट. अब जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट, सी क्वेश्चन में हमें फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए कितना दिया हुआ है, 31.8. तो यहां देखें 31 कहां है, ये है 30. ठीक है, और 30 की ये जो बीच वाली लाइन है वो होगी 31, और 31.8 यहां होगा आपका, ये 31 और 0.8 ये फोर्थ वाली लाइन पे. ठीक है, तो यहां से हम देखें, ये हुआ आपका ये एट्थ वाली लाइन, ये. ठीक है, तो यहां से हम बना देंगे एक रेक्टेंगल. ओके, ये है आपका फर्स्ट. एट ये ऊपर वाली लाइन तक होगा. नेक्स्ट है 25.4, ये है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन. ठीक है, 25.4, तो यहां सबसे पहले हम 22, 24, ये है 25, और 25.4 मतलब ये सेकंड वाली लाइन हम लेंगे यहाँ पर. ठीक है, ये 25 और 25.4 का ये है आपका. ठीक है, तो यहां तक हम लाइन ड्रॉ कर दें, एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे. ये हुआ, फिर थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, 12.4. ओके, 12 कहाँ है देखें, ये है 12.4 मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड लाइन पे. ओके, 12.4 यहाँ. ओके, ये हुआ आपका 12.4. फिर नेक्स्ट है आपका 4.3. 4 कहाँ है, ये है 4.3 कहाँ होगा, 2 के बाद, 2 के बाद की जो लाइन है ना, 2 और 4 के बाद की जो लाइन है उसके बीच में, तो आप बीच में यहां ले सकते हैं. ये हुआ, फिर नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन, ये है 4.1, तो 4 ये हुआ, तो 4 की फर्स्ट लाइन के ही बीच में, 4 के बाद की जो फर्स्ट लाइन है उसके ही बीचों बीच. ठीक है, ये हुआ आपका, और लास्ट है 22, तो 22 हमें ये दिया हुआ है. ये हो गया 22.
अब इसे क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। ओके, तो सारे को यहां पर शेड करके आप इसे कर लीजिएगा इस तरीके से। ओके, तो ये आपका हिस्टोग्राम बनके तैयार है। ओके, नाउ टर्न टू इट्स रेस्ट क्वेश्चन। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? तो देखें फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डेथ का रेट किस पे बढ़ रहा है, ये फर्स्ट वाले पर, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। कौन सी कंडीशन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके, ये होगा फर्स्ट। सेकंड, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। तो यहां पर है आपका न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन एंड अदर केसेस, ये एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर लिख देंगे कि न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन एंड अदर कंडीशन। ओके, इसमें क्योंकि रेट ज्यादा दिख रहा है, डेथ रेट। ओके, सो रेस्ट यू विल ट्राई टू सॉल्व।